नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी 14 जून का तीनों सेप्टरों का पेपर एनालिसिस कराने वाले एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी 14 जून का तीनों सेप्टरों का पेपर एनालिसिस कराने वाले। क्लास शुरू होने से पहले अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। और क्लास का एंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो आपका तात्या टोपे स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा जो आपका तात्या टोपे स्टेडियम ये आपके भोपाल में स्थित कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें जो आने वाले सूत्र में आपसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। जो आपका तात्या टोपे स्टेडियम है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अगर आने वाले सूत्र में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न आपसे एमपी पटवारी में बार बार पूछा गया था और आपके एमपी फॉरेस्ट और जेल पैरी में भी पूछा गया है। प्रश्न आपसे पूछा गया है सबसे ज्यादा अफीम की खेती मध्य प्रदेश में कहाँ की जाती है। प्रश्न आपसे इस तरह का पूछा गया था कि सबसे ज्यादा अफीम की खेती मध्य प्रदेश में कहाँ पर की जाती है। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मंदसौर। क्या है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में क्या है अफीम की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते। देखिए, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला आता है, कौन सा जिला आता है, मंदसौर, जिसमें क्या अफीम की खेती की जाती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट क्योंकि आने वाले सब आपसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया गया था। आपको बताना है महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। क्या है महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते। देखिए, 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कब किया गया था। तो 1917 में, क्या 1917 में गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा किया गया, एक किया गया था आपका चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग क्लास पसंद आए क्लास को लाइक, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पनिहारी लोक संगीत किस राज्य का। आपको बताना है जो आपका पनिहारी लोक संगीत है, क्या जो लोक संगीत है वो कौन से राज्य का है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपका राजस्थान राज्य का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विश्व परमाणु ऊर्जा एजेंसी का निदेशक कौन है। आपको बताना है विश्व परमाणु ऊर्जा एजेंसी का निदेशक कौन है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा राफेल मायानो। क्या है राफेल मायानो इसके वो निदेशक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपको पता है कि आपके जो संविधान से प्रश्न हर सेप्टर में पूछा गया आर्टिकल के आपके आर्टिकल और संविधान से एक या दो प्रश्न हर सेप्टर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों का संरक्षण दिया गया। आपको बताना है भारत के किस अनुच्छेद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पनिहारी लोक संगीत। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछा गया है पनिहारी लोक संगीत किस राज्य का है। आपको बताना जो आपका पनिहारी लोक संगीत है किस राज्य का है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य। कौन से राज्य का है, तो राजस्थान राज्य का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विश्व परमाणु ऊर्जा एजेंसी का निदेशक कौन है। आपको बताना है विश्व परमाणु ऊर्जा एजेंसी का निदेशक कौन है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा राफेल मारियानो। कौन सा है, तो राफेल मारियानो के इसके निदेशक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपको पता है कि आपके हर सेप्टर में आर्टिकल के आर्टिकल से दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके जो संविधान से क्या है, मतलब संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए, कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों को आने वाले सेप्टर में एक बार क्या गया है संविधान के सारे प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों को संरक्षण दिया गया। आपको बताना है भारत संविधान ने किस आर्टिकल में ये बात कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों का संरक्षण दिया गया। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल
गए 15-3 ये बात कही गई है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको बताना है इस मुहावरे का अर्थ क्या। प्रश्न आपसे पूछा गया है एक पंथ दो काज के, आपको बताना है एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है, इसका मुहावरा अर्थ क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया आपसे एक पंथ दो काज, इसका क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, एक प्रश्न ये आपके एक प्रश्न हमको मिला है कि ये आपसे मैथ में पूछा गया था। प्रश्न आपके सैम्पल वेकेशन है, बहुत ईजी प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया था 36 मल्टीप्लाई 18 भाग प्लस 412 प्लस 8 बराबर बताना इक्वल क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि इस प्रश्न को करने के लिए पहले आपको बोर्ड मास आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बोर्ड मास आना चाहिए, जिससे क्या प्रश्न को आप सॉल्व करोगे। देखिए बी से क्या होता है, बी से होता है आपका ब्रैकेट, ओ से क्या होता है, ओ से होता है आपका ऑफ होता है, डी से क्या होता है, डी से होता है आपका डिवाइड होता है, एम से क्या होता है, एम से आपका मल्टीप्लाई होता है, ए से क्या होता है, ए से होता है आपका एड होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे आपका सबट्रैक्शन होता है। मतलब सबसे अगर आपको ब्रैकेट दे रखा है ब्रैकेट करना है, ऑफ है का दे रखा है तो आप ऑफ है का को सॉल्व करें, उसके बाद करना है भाग को सॉल्व करना, उसके बाद गुणा को सॉल्व करना, उसके बाद आपको जोड़ करना, उसके बाद करना घटाव करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है आपको भाग, सबसे पहले करने भाग करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, यहाँ पर जैसे आप 3 का भाग करोगे 8 में तो कितना आ जाएगा 6 बार चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 412 क्या हो जाएगा 412 प्लस 8 करोगे, अब इसका गुणा करोगे 36 गुणा 6 करोगे कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 216 हो जाएगा। अब 412 या 412 प्लस 8 करोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 216 क्या हो जाएगा 216 प्लस कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा जब कितना हो जाएगा 520 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 520 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 520 ही होगा ना, कितना होगा 520 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप 520 प्लस क्या करोगे 216 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63 और कितना आ जाएगा 776 कितना आ जाएगा, तो इसके बराबर में आएगा आपका 736 कितना आ जाएगा, तो 736 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कौन सी नदी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है, सॉरी प्रश्न पूछा गया है कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है, आपको बताने में कौन सी नदी है जो आपके एमपी से नहीं निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, तो कौन सी नदी है, तो कृष्णा नदी है जो कि आपके मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था संविधान सभा में संविधान को कब अपनाया गया था, आपको बताना है संविधान सभा में संविधान को कब अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 के, संविधान सभा में संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित कुंजीलाल दुबे के, पंडित कुंजीलाल दुबे जो के मध्य प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है डूरंट कप 2023 कहां आयोजित किया गया, आपको बताना है जो डूरंट कप है 2023 कहां आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा भारत में किया गया, जो आपका डूरंट कप जो 2023 है ये कहां पर आयोजित किया, ये आपको भारत में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया, मतलब किसे सम्मानित किया गया। प्रश्न आपसे पूछा गया है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अपर्णा सेन को क्या नवाजा गया है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कनेक्स किस वंश के शासक थे, आपको बताना है जो कनेक्स थे ये किस वंश के शासक थे। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश, किसके, कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर के, 16 अक्टूबर का आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, आपको बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 2008 में क्या है आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार है, यहाँ पर क्या ऑप्शन नहीं मिले हैं, यहाँ पर बताया गया है कि इनमें से कौन सा है जो कोयले का प्रकार है। तो आपको इस कमेंट बताना, अगर आप लोगों का सिर्फ पेपर था तो किस मतलब कैसे ऑप्शन दे रखे थे, आपको बता देते हैं। देखिए जो कोयले हैं चार प्रकार के, कोयला है चार प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, पीट होता है, एक लंकेनाइट होता है, एक बिटुमस होता है, एक एंथेसाइट होता है, कोयले के कितने प्रकार, कोयले चार प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर वहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था
यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके यूक्रेन का युद्ध हुआ था वहां से अपने जो अपने भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाए, क्योंकि करंट का प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाए कौन सा, तो ऑपरेशन गंगा क्या, ऑपरेशन गंगा क्या है, ये ऑपरेशन चलाया कौन सा, तो ऑपरेशन गंगा ये ऑपरेशन चलाया गया यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती, आपको बताने पर कौन सा तत्व होता है जिसकी संयोजकता शून्य होती है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, हीलियम एक ऐसा तत्व होता है जिसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पानी में बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है, आपको बताना है पानी में बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, तो पानी में बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। जो पानी में बुलबुला होता है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो यह कहता है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, इसी को बोलते व्यवहार कहता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समुद्रगुप्त का शासन काल कब तक किया था, मतलब समुद्रगुप्त का शासन काल कब तक रहा था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 335, क्या हो जाएगा 335 से 380 ईस्वी पूर्व तक समुद्रगुप्त का शासन काल था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी, यह प्रश्न आपसे क्या एमपी फॉरेस्ट 25 मई या 26 मई के बीच में, सॉरी पूछा गया क्या, यह आपसे 25 मई या 26 मई के बीच में आपसे पूछा गया था। प्रश्न आपसे पूछा गया है पश्चिम की और बहने वाली नदी कौन सी है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर वहाँ पर नर्मदा दे रखा है, तो हम लोगों ने नर्मदा लगाई और नर्मदा क्वेश्चन आपका सही जवाब है। नर्मदा कैसी नदी है जो आपके पश्चिम की ओर बहती है, कौन कौन सी नदी है जो भारत की, जो कौन कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, तो नर्मदा, ताप्ती, माही और लुंडी, चार नदी ऐसी है जो क्या है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सूर्य क्या है, आपसे पूछा गया है कि सूर्य है सूर्य क्या है, तो आपको वहां पर लगाना है कि सूर्य है क्या है, सूर्य क्या है तारा है, क्या सूर्य क्या है तारा है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अग्नाशय में कौन सा गैस पाया, सॉरी यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया था अग्नाशय में कौन सा रस पाया जाता है, क्या प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, प्रश्न आपसे पूछा गया था अग्नाशय में कौन सा रस पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय, क्या अग्नाशय जल होता है जो आपका अग्नाशय में कौन सा रस पाया, तो अग्नाशय में आपका अग्नाशय रस पाया जाता है, कौन सा रस पाया जाता है, अग्नाशय रस पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हृदय की धड़कन बढ़ने का क्या कारण है, आपको बताना है जो हमारी हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर इसका इसके ऑप्शन आप हमारे पास नहीं भेज पाए बहुत सारे लोगों ने, तो आपको बताने का ऑप्शन आपको क्या दे रखे थे, और कमेंट आपको जवाब में बताने की जो हृदय की धड़कन है इसका कारण, हृदय की धड़कन तेज क्यों हो जाती है, स्पीड क्यों पकड़ता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अदृश्य राशि कौन सी, आपको बताना है अदिश राशि कौन सी है, तो अदिश राशि वहां पर दे रखा है, तो आपको ऑप्शन में द्रव्यमान, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अदिश राशि कौन सी हो जाएगी, आपकी द्रव्यमान हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपके 14 जून के, ये थे आपके 14 जून तीनों शिफ्टों के, ये थे आपके तीनों शिफ्टों के प्रश्न जो इस क्लास में आपको एनालिस कराए गए। आशा करते हैं आप लोग क्लास पसंद आई है, अगर आप लोग क्लास पसंद आई तो क्लास को आप लोगों क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर आप लोगों का इन तीनों शिफ्टों का किसी भी शिफ्ट आपका पेपर था तो आप लोगों को बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए शिफ्ट के नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।